आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमी पर आशियां बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी कुर्बानी मेरे मसीह की, सूली जहां है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। आपका नाम क्या है, आप रहते कहां हो? क्षमा करना भाई, जगह खाली नहीं है। मेहरबानी से आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि जगह खाली होती तो अवश्य देता। देखिए, आप ही मेरी पत्नी को देखिए, मेरी पत्नी गर्भ से है और हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। आपकी जनगणना की वजह से तुम्हें इस समय कोई सराय खाली नहीं मिलेगी। जगह पे लोग आए हुए हैं,
अब क्या होगा? कुछ खा लेते हैं, फिर मैं वापस तलाश करूंगा। शाबाश शाबाश। घबराओ मत बेटी। मरियम, क्या हुआ? मरियम, इसे क्या हुआ? घबराओ मत, मैं एक दाई हूँ। मैं पानी भरने आई थी, तब मैंने इसे देखा। तुम्हें कोई जगह मिली? नहीं, कहीं जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गौशाला है, इसे वहां ले चलो, उस तरफ उसी खेत में। मैं जल्दी वहां आती हूँ। घबराओ मत, बच्चा होने के समय ऐसी ही पीड़ा होती है। अब तुम जाओ। धीरज रखो, परमेश्वर है तुम्हारे साथ। अब तुम जाओ। हमारा धन्य हुआ गौशाला, आया मसीहा हमारा। बेतलहम नगरी में जन्मा है जग का दुलारा। हाँ, बेतलहम नगरी में जन्मा है जग का दुलारा। धन्य हुआ गौशाला, आया मसीहा हमारा। परमेश्वर तेरी महिमा हो। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अले ले ले ले। ये लो बेटा है। फिकर मत कर, मरियम भी ठीक है। तेरा धन्यवाद हो। सब परमेश्वर की महिमा है। चमका एक सितारा, चमका एक सितारा,
पहला अनोखा उजियाला। ओ इस धरती पे आज है जन्मा प्यारा मसीहा हमारा, हमारा चमका एक सितारा, पहला अनोखा उजियाला। परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा आग जला दिया, बहुत ठंड आग से भी पिछले साल भी ऐसी, कितनी ठंड लग रही है। इस तारे को देखो हा? कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। वाकई अरे बिल्कुल कितना ज्यादा रहा है ना, तो देखो बिल्कुल सच, ये एक अद्भुत तारा दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसा अनोखा तारा कभी नहीं देखा। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ, यह सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। दूतों की आई खुशी का संदेश लाई, सारे जहां की ज्योति बेतलहम में आई। कैसा नोखा सहारा जहां का तारण हारा, जहां का तारण हारा, हो चमका एक सितारा, पहला अनोखा उजियाला। हो इस धरती पे आज है जन्मा प्यारा मसीहा हमारा, हमारा चमका एक सितारा। परमेश्वर की महिमा हो। पर क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा, मसीह जो आने वाला है, जिसका हम सबको इंतजार है, वो आज बैतलहम में पैदा हुआ है। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ हाँ हम ही देखते हैं। हाँ हाँ जो प्रभु ने बताया, हम सब चलते हैं। हाँ हाँ चलें, चलो। हाँ चल, अब हम सब ने आशीष पाई है। हाँ ये बात तो, ये बात तो सही है, हमें चलकर देखना। चलिए हम चले, हम चले, चल चलते हैं। हम सब के सब वहाँ चले जाएंगे तो हमारी भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? परमेश्वर जो हम सबका चरवाहा है। परमेश्वर? हाँ, हम भी तो उसकी भेड़े हैं, जब वो हमारी रखवाली कर सकता है तो इनकी रखवाली क्यों नहीं करेगा। सही कह रहे हो आप, सही। हाँ तो चले, आओ चले। हाँ हाँ चले। हाँ चरवाहे आपसे मिलने आए हैं, कौन हो सकते हैं वो? जाओ उन्हें यहाँ ले आओ। अच्छा आइए, अंदर आइए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा हो। देखो देखो देखो, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है। हाँ, कपड़े में लिपटा हुआ है। और वो चरनी में है। हाँ, चरनी में है। भाई चरनी में है। देखो कितना सुंदर है। यही हमारा उद्धार करता है। हमारा मसीहा है। यही हमारा मसीहा है। इसके जन्म के विषय में तुम्हें कैसे पता चला? इस बच्चे के विषय में हमें स्वर्गदूत ने कहा है। स्वर्गदूत ने हमें स्वयं कहा है। हालेलुया, हालेलुया। हे राजाओं के राजा, तुझे हमारा प्रणाम, हमारा प्रणाम। परमेश्वर तेरी महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरे राज का उद्धार युगा युग तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम धन्य हुए हैं।
परमेश्वर दर्शन। इस बालक के विषय में चरवाहों ने सब लोगों को सूचित किया और सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। परंतु मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। धीरे धीरे बढ़ चला मंजूसियों का काफिला, एक ही लगन जाएंगे हम जन्मा मसीह जहां। अब तो हमारी एक ही मंजिल है और एक ही मकसद है, और अब हमारी मंजिल भी दूर नहीं है। हाँ, हम कितने भाग्यशाली हैं, कभी सोचा भी ना था कि हम लोग भिन्न भिन्न प्रांतों से आकर यहां मिलेंगे। हाँ, और यहूदा के नगर को हम एक साथ जाएंगे। हाँ, हम लोग अजनबी थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो देखो, यहां एक साथ मिले और एक साथ यात्रा किए। मेरी तो इजराइल आने की हमेशा इच्छा रही है, और आज मैं इजराइल की पवित्र भूमि पर हूं। फिर यूसुफ शास्त्र के नियमों के बारे में जानकारी लेने के लिए याचक के पास गया। याचक ने क्या कहा? याचक ने कहा है, जो स्त्री गर्भवती हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो शतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है, और 8वें दिन लड़के का खातना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध होने जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। खतने की विधि पूर्ण हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरी महिमा, बधाई हो, तेरी स्तुति हो। बालक का नाम? संभाल के मरे। बालक का नाम? उसका नाम यीशु है। धूम मची है जहां में, झूम रही है ये धरती, आज अनोखी खुशी ने मन में उमंगे भर दी। रोशन हुआ गौशाला, दूर हुआ अंधियारा, दूर हुआ अंधियारा, हो चमका एक सितारा, पहला अनोखा उजियाला। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा पुत्र प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से
उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देखना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये हन्ना है, एक भविष्यवक्तनी। ये फनुएल की बेटी और अशेर के गोत्र की है। ये बहुत बूढ़ी है और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई है। ये 84 वर्ष से विधवा है और मंदिर को नहीं छोड़ती है, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार यूसुफ और मरियम बालक यीशु को यरूशलेम में ले आए। क्या बात है शिमोन, दौड़े हुए कहाँ जा रहे हो? मसीह को देखने। मसीह? वो कहाँ है? हाँ, चलो। धन्यवाद परमेश्वर स्वामी। हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। परमेश्वर देख मरियम, देख अपने इस पुत्र को, देख देख वो तो इज़राइल में बहुतों के घेरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, मरियम, परमेश्वर की जय हो। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार वार छिद जाएगा। मरियम, इससे बहुत योद्धाओं के विचार प्रकट होंगे। यरूशलेम के निवासियों, परमेश्वर की जय जयकार करो। तुम जो यरूशलेम की मुक्ति की राह देख रहे थे, आनंद बनाओ, आनंद बनाओ, क्योंकि जिसकी राह तुम देख रहे थे वही यीशु मसीह आज पैदा हो गया है। आनंद बनाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमारे बीच एक ऐसा उद्धारकर्ता भेजा है जिसके हाथों में हमारी मुक्ति है, उसकी स्तुति करो। तब यूसुफ और मरियम गलील प्रदेश में अपने नगर नासरत को लौट गए। जरा सुनिए, क्या बात? हम लोग पूर्व से आए हैं और एक अद्भुत चमकते तारे की अगुवाई से यहाँ आ पहुंचे हैं। हाँ, ये लोग हैं कौन? आवाज तुझको दे रहा है आगुने गारा जा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो बह रही है खून की जो धारा।